अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर फाइन। आई एम योर मैथ टीचर एंड दिस इज़ योर मैथ बुक। ओपन योर बुक, पेज नंबर 76, एक्सरसाइज 2D। क्वेश्चन नंबर 1 है, फिल इन द ब्लैंक्स। ए दी हुई है आपको 94 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल, आपने 94 का टेबल 10 तक मिलना है तो 900 क्या आ जाएगा, 14। बी 10 मल्टीप्लाई बाय फिर डैश दी हुई है इज इक्वल टू 450, तो 10 का टेबल आपने कहाँ तक पढ़ा, 45 तक पढ़ा तो 450 आ गया। इसी तरह आपने सी 35 मल्टीप्लाई बाय 32 35 का टेबल 2 तक 2 टाइम्स तक पढ़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा इज इक्वल टू 70। डी है 63 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 189। ई डैश मल्टीप्लाई 34 इज इक्वल टू 314, 34 का टेबल हमने 10 तक पढ़ा तो हमारे पास क्या आ गया 314। क्वेश्चन नंबर 2 है, स्ट्रेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। ए द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर एंड 1 इज द नंबर इटसेल्फ। तो 1 नंबर जो है वो खुद एक नंबर है, इट्स ट्रू। बी अ नंबर डज नॉट चेंज इफ इट इज मल्टीप्लाइड बाय 0। एक नंबर को हम मल्टीप्लाई देंगे 0 से तो वो नंबर 0 नहीं होगा। अगर हम कोई वैल्यू को मल्टीप्लाई देते हैं 0 से तो वो नंबर 0 नहीं होगा, इट्स फॉल्स, क्योंकि जब हम किसी नंबर को मल्टीप्लाई 0 से देते हैं तो वो नंबर 0 हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, सी है डबलिंग ऑफ अ नंबर और मल्टीप्लाइंग इट विद 2 इट इज़ द सेम। जब कोई डबल नंबर होता है उसे मल्टीप्लाई करते हैं इट विद 2 इट द सेम, तो ट्रू, इट्स ट्रू। डी है 54 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 504। नो, क्योंकि 54 को आप जब मल्टीप्लाई 10 से देंगे तो 540 आएगा, इट्स फॉल्स। ई 29 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल 271। 29 को मल्टीप्लाई बाय 9 से देंगे तो 271 नहीं आएगा, तो इसलिए इट्स फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 3 है, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। ए 65 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 130 195 285 185। तो जब हम 65 का टेबल 3 तक पढ़ेंगे तो हमारा नंबर आ जाएगा 195, तो सेकंड टिक कर देंगे। बी 47 मल्टीप्लाई बाय इज इक्वल टू 94, द मिसिंग नंबर इज, आपने देखना है 47 का टेबल कितने टाइम्स तक पढ़ा है जो 94 आया है, तो 2 टाइम्स तक पढ़ा है, तो आप फोर्थ वाले पे टिक लगा देंगे, इसमें फोर्थ वाले ऑप्शन पे 47 2 94। डबल ऑफ सी है डबल ऑफ 26 इज, 26 को जब हमने डबल पढ़ा तो क्या आ जाएगा, 26 को डबल पढ़ेंगे 26 को 2 टाइम्स पढ़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 52, फर्स्ट ऑप्शन पे टिक लगा देंगे। डी है 9 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 95 से क्या होता है 45, तो सेकंड वाले पे टिक लगा देंगे। ई है 10 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 40, 10 4 से 40, थर्ड वाले पे टिक लगा देंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द प्रोडक्ट। मल्टीप्लीकेशन के आपको क्वेश्चन बना के दिए हुए हैं, या क्वेश्चन दिए कि ओ 1 का और 10 का टी दिया हुआ है, तो ओ में हमें क्या दिया हुआ 7 और 3, देन 10 में 2 दिया हुआ है, तो 3 का टेबल 7 तक पढ़ेंगे तो 21 आ जाएगा, 21 का 2 ऊपर चला जाएगा 1 नीचे आ जाएगा, 3 2 का 6, 6 में 2 प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8, ऊपर वाले 2 को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 8। कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 77, क्वेश्चन नंबर 5 है, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग। ये भी इसी तरह टेबल्स पढ़ेंगे और बिल्कुल इसी तरह होंगे सेम एज इट, जैसे कि 76 पे अभी मैंने आपको क्वेश्चन समझाए हैं मल्टीप्लाई के। 6 का टेबल आपने 4 तक पढ़ना है, 6 4 से 24, 24 का 2 ऊपर चले जाएगा 4 नीचे आ जाएगा, 6 4 से फिर 24, 24 को 24 में 2 जो ऊपर लिखा हुआ है वो से प्लस करेंगे तो कितने हो जाएंगे 26। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, आपके आई होप कि आपके मल्टीप्लाई के क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ गए हैं। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।